नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंद्रशी और आप देख रहे हैं द नेशनल टीवी। स्पोर्ट न्यूज में आपका स्वागत है। भारतीय स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा की कोहनी का हुआ ऑपरेशन। भारतीय स्टार जैवलिन थ्रोअर का हाल फिलहाल कोहनी का ऑपरेशन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके ठीक होने की दुआ की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि नीरज आप बहुत बहादुर हैं और आपने लगातार भारत को गर्व कराया है। हर कोई आपके ठीक होने की दुआ कर रहा है। ऑपरेशन के कारण नीरज का वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेलना संदिग्ध हो गया है। ये वर्ल्ड चैंपियनशिप दोहा में 27 सितंबर से 6 अक्टूबर तक होनी है। टोरिनो के खिलाफ 24 साल बाद घरेलू मैदान पर हारने से बचा यूवेंटस। इटली के यंग यूवेंटस को टोरिनो के बीच गुरुवार को खेला गया मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। टोरिनो के साथ लुकिच ने 17वें मिनट में गोल कर टीम को 1-0 से आगे बढ़ दिया। मैच में 83वें मिनट तक वो यूवेंटस से आगे रहा। ऐसा लग रहा था कि टोरिनो 24 साल बाद यूवेंटस को उसके होम ग्राउंड एलियांस स्टेडियम पर हरा देगा, लेकिन स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 84वें मिनट में गोल कर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पंजाब को 7 विकेट से हराया। इंडियन प्रीमियर लीग के 12वें सीजन के 92वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किंग्स 11 पंजाब को 7 विकेट से हरा दिया। शुक्रवार रात मोहाली के स्टेडियम में खेले गए इस मैच में कोलकाता ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 183 रन बनाए और लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता की टीम 18 ओवर में 3 विकेट पर 185 रन बनाकर मैच जीत गई। 4 दिन में 4 ट्रायथलॉन पूरी की इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉलर फ्रांसिस बेनाली। पूर्व फुटबॉलर फ्रांसिस बेनाली ने सोमवार को एक चैलेंज शुरू किया। ये चैलेंज था 7 दिन में 7 आयरनमैन ट्रायथलॉन का पूरा करने का। वो अब तक लगातार 4 दिन में 4 ट्रायथलॉन पूरे कर चुके हैं। उन्होंने मैनचेस्टर में पहली ट्रायथलॉन दौड़ी। उनकी आखिरी ट्रायथलॉन रविवार को साउथ मंगटन में खत्म होगी। 50 साल के फ्रांसीसी ने ये चैलेंज ब्रिटेन के कैंसर पीड़ितों के लिए राशि जुटाने के लिए शुरू किया था। ओलंपिक चैंपियन दक्षिण अफ्रीका की कास्टर सेमेन्या ने एथलीट्स में 800 मीटर की दौड़। 2 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण अफ्रीका की कास्टर सेमेन्या ने शुक्रवार को डायमंड लीग एथलेटिक्स में 800 मीटर की दौड़ जीत ली। अब से अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में महिला एथलीटों में टेस्टोस्टेरोन के स्तर को सीमित करने वाले विवादास्पद नियम लागू हो जाएगा। बता दें कि इस नियम को रोकने के लिए सेमेन्या ने सालों तक लड़ाई लड़ी थी। शाहिद अफरीदी की नकारात्मक बातों का गौतम गंभीर ने दिया कुछ ऐसा जवाब। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने हाल ही में अपनी आत्मकथा में गौतम गंभीर के बारे में नकारात्मक बातें लिखी। इनका जवाब देते हुए गौतम गंभीर ने खुद पाकिस्तान के पूर्व कप्तान को मनोचिकित्सक के पास ले जाने की पेशकश की। हाल ही में अफरीदी ने अपनी आत्मकथा में गेम चेंजर में व्यंगात्मक रूप में गंभीर के बारे में लिखा कि वो इस तरह का व्यवहार करते हैं जैसे वो डॉन ब्रैडमैन और जेम्स बॉन्ड दोनों की काबिलियत रखने वाले हैं और उनका रवैया भी अच्छा नहीं है और ना ही उनके कोई महान रिकॉर्ड्स हैं। इस पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर ने शाहिद अफरीदी को टैग करते हुए अपने आधिकारिक ट्वीट पर इसका जवाब दिया। उन्होंने ट्वीट किया कि तुम मजाकिया व्यक्ति हो, कोई नहीं, हम अब भी पाकिस्तानी लोगों को चिकित्सा के लिए वीजा दे रहे हैं, मैं खुद तुम्हें मनोचिकित्सक के पास लेकर जाऊंगा। तो आज की स्पोर्ट्स न्यूज में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द नेशनल टीवी। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। नमस्कार।